की जनता ने राहुल पर किया खुलासा, बता दिया क्यों भागे राहुल गांधी, उंगलियों पर गिनवा दिए मोदी के काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चलिए, अमेठी और रायबरेली से सस्पेंस तो खत्म हुआ लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी को केएल शर्मा के भरोसे छोड़कर राहुल गांधी तो रायबरेली चले गए, लेकिन क्या रायबरेली से भी वो अपनी साख बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल बात अमेठी की कर लें तो यहां से राहुल गांधी का जाना शायद उनके लिए फायदे का सौदा रहा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो रायबरेली से जीत जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेठी की जनता तो राहुल से लेकर पूरी कांग्रेस तक से बेहद नाराज है। यकीन नहीं होता तो ये ओपिनियन पोल देखिए। YouTube चैनल दिराज धर्मा की टीम जब अमेठी से लगते एक गांव में पहुंची तो किसानों ने राहुल की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे सुनकर तो शायद कांग्रेस का ये फैसला आप भी सही ही कहेंगे। सुनिए पूरा वीडियो जो 2 मई को रिकॉर्ड हुआ था, यानी घोषणा से कुछ घंटे पहले। जब राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उसी दिन घोषणा हुई थी प्रत्याशी की और उसी दिन पर्चा भरा गया था। मैं सही कह रहा हूँ, उस दिन पर्चा भरा गया था और हो सकता है एक बार फिर से दोबारा वही इतिहास दोहराया जाए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही अमेठी के अंदर जो स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ सकें। अब कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी डर खाए बैठे हैं, कई चुनाव हार गए तो बची खुची जो हमारी इज्जत है, बची खुची जो हमारी सीटें हैं, बची खुची जो हमारी रेपुटेशन है, वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी। इस डर से कांग्रेस पार्टी कोई नाम राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा का सामने नहीं ला रही है। इसी को लेकर किसानों के बीच आया हूँ क्योंकि एक अखबार में मैंने पढ़ा और लगातार राहुल गांधी अपनी रैलियों में बोलते रहते हैं कि भैया हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, MSP की गारंटी देंगे। लेकिन अमेठी के किसानों को उन्होंने उन 15 सालों में क्या दिया, उन 50-55 सालों में किसानों को क्या दिया, ये जानने आया हूँ। सभी मेरे साथ किसान हैं, ज़्यादा किसान यहाँ पर नहीं थे खेत में, तो जितने भी थे उनको हमने खड़ा किया कि भैया ये आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम शंकर पांडे। श्याम शंकर पांडे जी। श्याम शंकर पांडे जी किसान हैं? जी जी, किसानी करते हैं। हाँ। जी, कितने बीघा जमीन है? 4 से 5 बीघे जमीन है। 4 से 5 बीघा। हाँ। क्या बोया है? टमाटर है, टमाटर, खीरा है। हाँ। खरबूजा है, उड़द है। हाँ। कोहड़ा है। हाँ। और गेहूं कट चुका है। गेहूं कट चुका है? आपको गेहूं कट गया है? हाँ, गेहूं कट गया, फसल घर आ गई। फसल घर आ गई? हाँ। तो भैया बड़े खुश होंगे, भाई गेहूं कट गया, ऐसा मौसम खराब नहीं हुआ, फसल बर्बाद तो नहीं हुई इस बार? फसल बर्बाद नहीं हुई क्योंकि ये सब मोदी की देन है, सम्मान किसान ने दियाती है। समय से बीज खाद मिल जाता है, समय से कटाई मड़ाई के लिए पैसा मिल जाता है। पहले क्या होता था? पहले तो क्या होता था उसको बताने में जो है रोए कांप जाते हैं। यहीं पर जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो रात में 11 बजे 12 बजे उठ करके खाद के लिए जाके लाइन लगाते थे, और सुबह जब गोदाम खुलती थी और लाइन में लगे रहते थे तो 1 घंटा 2 घंटे बटे और लाठी खाने के बाद पता लगे खाद ख़त्म हो गई। और आज स्मृति ईरानी की देन है और योगी मोदी की देन है कि अमेठी में खाद का रैके उतरता है, रैके उतरता है अमेठी में। हाँ, लेकिन कर्ज माफ़ी की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। कर्ज माफ़ी की बात राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन में आने के लिए और अपनी सीट जीतने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। और जब हमें सम्मान, किसान सम्मान निधि मिल रही है और सम्मान के साथ मिल रही है तो मैं कर्ज क्यों लूं और मैं कर्ज मेरा क्यों माफ़ हो? कर्ज क्यों माफ़ हो? और अगर कर्ज माफ़ हो रहा है तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी कोई अपने जो उनका सांसद निधि है उससे नहीं देते हैं, वो उससे नहीं कर्ज माफ़ करते हैं, हम ही से लेते हैं और हम ही से हमारा ही माफ़ करते हैं, सही माफ़ करते हैं। चलिए अमेठी के किसानों पे आते हैं। अमेठी के किसानों के लिए उस समय राहुल गांधी रहे 15 साल, जब अभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या किया उन्होंने राहुल गांधी ने? उन्होंने किसानों के लिए अमेठी की, अब केवल अमेठी की किसानों की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था किसानों के लिए। वो अच्छा काम ये था कि आज ये मेरी जो ज़मीन है, अभी करंट में 2-4 दिन पहले बयान आया है कि हम सर्वे करवाएंगे, भूमि की पैमाइश करवाएंगे, किसके पास कितना ज़मीन है, एक किसी विशेष वर्ग को फिर उसमें से हम दे देंगे और दे नहीं देंगे। उन्होंने जब यहाँ पे सांसद थे तो हमारे किसानों की ज़मीन पे सम्राट साइकिल फैक्ट्री बनी हुई थी, उसको स्वयं उन्होंने हड़प लिया। और जब यहाँ से छूटे तो अपने जीजा को हरियाणा में ज़मीन किसानों की हड़पने के लिए छूट दे दी। छूट दे दी,
लेकिन नाम यहाँ भी चला, रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। रॉबर्ट वाड्रा इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं, वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, केवल ये परिवारवाद है। रॉबर्ट वाड्रा को लड़ना है, प्रियंका को लड़ना है, राहुल को लड़ना है, सोनिया को लड़ना है, अखिलेश को लड़ना है, आदित्य को लड़ना है, धर्मेंद्र को लड़ना है, डिंपल को लड़ना है, केवल परिवार को चुनाव लड़ाना है। परिवार लड़ेगा, कोई किसान और गरीब जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये है सपा और कांग्रेस। और आज आपको बता रहा हूँ, किसान होने के नाते न्यूज़ सुनता रहता हूँ। आज हमारे योगी मुख्यमंत्री की एक बहन है जिनका जन्म उत्तरांचल में हुआ था, आज एक छोटी सी गुमती में चाय की दुकान चलाती हैं, लेकिन ना उनके सांसदी का टिकट दिया गया, ना विधायकी का टिकट दिया गया, चाय बेच करके गुजारा करती हैं। ये है भाजपा, और पूरा परिवार चुनाव लड़े, यह है कांग्रेस सपा। पूरा परिवार चुनाव लड़े, नहीं परिवार के पास तो अमेठी रही है आज तक, तब तो आपने विरोध नहीं किया। 15-15 साल राहुल गांधी हो गए, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, किसका नाम यहाँ से नहीं चला है? हाँ, इंदिरा गांधी का भी नाम शायद चला है नहीं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सन 77 में राजीव गांधी आए, और जब राजीव गांधी आए तो उस समय जो है मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था, और देखता था हमारे बाप दादा, हमारे बूढ़ बुजुर्ग, जब एक गाड़ी आती थी और जैसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, सब लोग सेवान में, खेत में, जंगल में भाग जाते थे कि अभी जो है ये आ रहे हैं, और अभी जो है नसबंदी हो जाएगी, नसबंदी हो जाएगी, सब भाग जाते थे, भाग जाते थे। और इसी अमेठी के किसानों ने, जो उनकी दुर्गत 77 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई इमरजेंसी लगा करके, और इसी अमेठी के किसान ने बाबू रविंद्र प्रताप को जो है जिता करके संजय गांधी को इसी धरती पर धूल चटाई थी। और समय समय पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब किसान यहाँ का अंगड़ाई लिया है, राजीव गांधी के बाद खड़ाऊं लेके सतीश शर्मा आए, उन्होंने कहा मैं किसानों की मदद करूंगा, किसानों का मसीहा हूं, और जेब में रूप पार्टी से आए थे, कांग्रेस से आए थे राजीव गांधी के बाद, और जेब में रुपया लेके आए, एक चुनाव जीते, फिर आए और कहा यहाँ किसानों या गरीबों की बात नहीं करना है, यहाँ के लोग तो बिकाऊ हैं, यहाँ का किसान बिकाऊ है, मैं उनको रुपये दे करके वोट खरीद लूँगा। और यहाँ के महाराजा संजय सिंह ने बीजेपी के टिकट से सतीश शर्मा को भी हरा करके बैरन भेज दिया। ये है भाजपा, नहीं पहले बिकाऊ बोल दिया उन्होंने। हाँ। और राहुल गांधी ने वायनाड जाके आपको बेवफा बोल दिया। देखिए राहुल गांधी के सामने वही है, वो एक कहावत है हमारे लोगों के गांव में, छाप छछूंदर वाली, ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना उगलते बे बन रहा है। अब चूंकि वायनाड पहुंच गए, अब वायनाड से अमेठी आने में उनको डर लग रहा है कि अब की तो पिछला चुनाव 55,000 से हारे थे, और अब की 1,55,000 की तैयारी अमेठी ने कर लिया है, अमेठी के किसानों ने कर लिया है, क्योंकि खाद का रैक उतर रहा है। आज आप जिस जमीन पर खड़े हैं, इसी जमीन पर कांग्रेस और सपा की सरकार में, जब अमेठी से हम 8 बजे रात में आते थे तो बांध करके यहीं पर मुझे लिटा दिया जाता था, रात भर घर वाले खोजते थे, और सुबह जब आते थे तो हम लोग यहाँ बंधे मिलते थे, लूटे लुटाए मिलते थे। आज ये योगी और मोदी का जमाना है कि आप ये चाय की दुकान भीड़ भाड़ देख रहे हैं, और 12 बजे 1 बजे कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म, माफियागिरी खत्म, और गरीबों का राज आ गया है, गरीब आराम से जी रहा है, खा रहा है, तो जी रहा है। कह रहे किसान आराम से नहीं जी रहा है, स्मृति ईरानी ने क्या किया किसानों के लिए, चलिए ये बता दीजिए ना। लोग तो पूछते हैं, चलिए आप कह रहे हैं 15 साल में 25 साल में कुछ नहीं हुआ, स्मृति ईरानी ने क्या कर दिया? स्मृति ईरानी ने, आपको मैंने पहले भी बताया, ये हाँ पहले बताया कि जिस खाद के लिए, बीज के लिए हम लाठी खाते थे, आज वह खाद बीज का रैका अमेठी में उतर रहा है, और वह मंत्रालय है, और मंत्रालय की वह मंत्री हैं, उसके तहत आज जो किसानों के लिए सम्मान निधि आ रही है वह भाजपा सरकार दे रही है। पीएम आवास दिया गया, जो रहने के लिए छत नहीं थी भाजपा सरकार ने दिया, लेकर के लोटा जो भगते थे बाथरूम के लिए, आज घर में बाथरूम कर रहे हैं। दवा के लिए पैसा नहीं रहता था, कर्ज काटते थे, आज आयुष्मान कार्ड है, जाइए अस्पताल में, फ्री में दवा, फ्री में इलाज, ये किसानों के लिए भाजपा ने दिया है। ये किसानों के लिए किया है। ये गेहूँ कितना बिका भाजपा सरकार में, और कितना बिकता था पिछली सरकारों में?
भाजपा सरकार में ये स्थित है कि मैं किसान हूँ, 2265 रुपए में मैंने सरकारी केंद्र पर अपनी तौल कराया है, और इसके पूर्व की सरकारों में इन्हीं बनियों के हाथ औने पौने दामों पर बेच करके किसी तरह से हमको किसान अपनी खेती में पूंजी लगानी पड़ती थी, किसानों को पूंजी लगानी पड़ती थी। लेकिन इस बार का क्या चल रहा है? कह रहे हैं भैया प्रत्याशी अभी तक नहीं आया है, बहुत सरप्राइज देंगे आप लोगों को। असल में वो चूंकि किसान की बात कर रहे हो, मैं किसान हूँ, प्रत्याशी इसलिए नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस को ये सीट बंटवारे में मिली है, वो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि हम किसान हैं। उसने पिछले चुनाव में जब हार के यहाँ से गए 2019 हाँ, तो उन्होंने एक यहाँ पे नारा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे आलू डालोगे सोना निकालेंगे। वो मशीन लगा नहीं पाए और हम आलू पैदा कर रहे हैं और आलू ही खा रहे हैं और आलू से सोना आज तक बना नहीं पाए। तो उसको डर है कि ये आलू से सोना बनाने वाला जो मैंने कहा था वो आज तक तो अमेठी में दे नहीं पाए। तो जाएं कैसे चुनाव लड़ने? चुनाव लड़ने कैसे जाएं? किसका चेहरा लगता है अगर कांग्रेस से आए चेहरा जिसको आप पसंद करें, अमेठी वाले लोग फिर से गांधी परिवार के पास अमेठी चली जाए? देखिए गांधी परिवार के पास तो अमेठी अब जाने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, कोई भी चुनाव लड़े। कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं, नेतृत्व विहीन पार्टी है। कभी जयराम रमेश कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो नेतृत्व विहीन पार्टी है, वहाँ कोई है नहीं। क्या नाम है आपका? रामराज। रामराज? रामपाल? रामराज। रामराज? हाँ। रामलाल जी ये कह रहे हैं कि बताइए मिल रही है आपको किसान सम्मान? हाँ हाँ मिलती है, मिलती है। कितना मिल रहा है? चौथे महीना 2000। चौथे महीने में 2000? हाँ। साल में 6000? हाँ। क्या होता है इस 6000 में, कोई काम धंधा होता है? अरे ये खाद वो धोई जात भैया। हाँ खाद वाद निकल जाते है? हाँ। अच्छा ये मोदी जी ने दिया है आपको मतलब कुछ? हाँ गवर्नमेंट दी। अच्छा हाँ। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने दिया कुछ? पहले तो नहीं रहा, झूठ का कहीं पहले नहीं रहा? नहीं। क्या बोते हैं आप खेत में? हाँ गेहूँ बोई थी, धान लगाई थी। गेहूँ बोई और धान लगाई? बस धान काट लिया, गेहूँ भी काट लिया, उस रहा खेत और हम कुछ नहीं बो पाए, झूठ का नहीं बोल पाए। हाँ। अच्छा विकास किया था कुछ गांधी परिवार ने यहाँ? हाँ गांधी परिवार ने विकास किया था किसानों का? यही पर यही से जान पड़ता है कि ठीक है। हाँ पढ़े लिखे यही नहीं कहा बताई? अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, खेती तो करते हैं। खेती करी तू है तो कहा ही। अच्छा किसान खुश है इस सरकार में? है काहे के नहीं खुश, खर्च खेती बाड़ी होती है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुमित कुमार पांडे है। सुमित कुमार पांडे जी, आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। कितनी जमीन है भाई? हमारे 5-6 बीघे की जमीन है। कितना? 5-6 बीघा। 5-6 बीघा? कितना मिलता है आपको सम्मान निधि? सम्मान निधि 2000 रुपए मिलते हैं 4 महीने पे, 6000। 6000 जी। आप ये बताइए जिस तरीके से कह रहे हैं भैया स्मृति ईरानी की बात करें अमेठी में, क्योंकि अमेठी में है बात फिर कूद कर कहीं और चली जाती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, अमेठी में कुछ किसानों का भला हुआ है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में किसानों का चारों तरफ आप जहां देखेंगे वहीं लाभ हुआ है। आप चाहे लैट्रिन ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, आप घर ले लीजिए, मकान ले लीजिए, और जो 2000 सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप उसको ले लीजिए। अभी चाचा ने बताया मृदा प्रशिक्षण केंद्र है, आप अपनी मिट्टी लेके जाइए, प्रशिक्षण करा के आइए और बताइए इसमें कितना आपको बता दिया जाता है, कितना खाद डालिए कितना ना डालिए, सब सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर ही अब की बार योगी सरकार हमारी फिर से सरकार बनाने जा रही है। अमेठी से किसकी सरकार? अमेठी से भी योगी सरकार होने जा रही है, इसका कोई राय नहीं। आज तक ये बता दीजिए कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट दे ही नहीं पाया, जिसके पास कैंडिडेट है ही नहीं वो हमारा क्या मुकाबला करेगा? आप बताइए अभी बीएसपी की हम बात करते हैं, जिसकी एकदम आपका ये मटिया पलीट हो गई है, वो भी अमेठी में लड़ने के लिए सोच रही है। अभी परसों कोई और नया कैंडिडेट था, आज नया कोई नया कैंडिडेट घोषित हुआ है, ये क्या है? अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने सबकी लहर खत्म हो गई है, हर तरफ जहाँ देखिए आप योगी की सरकार है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, जो अभी आप चाचा बता रहे थे जिस जमीन पे हम खड़े हैं यहाँ पे इस समय खड़ा होना मुश्किल था, हम लोग अभी तक खसक गए होते घर, ऐसा सुनने में आता था, सुनने में आता जी। हम नहीं, आप कह रहे हैं भैया अभी तक जो है कैंडिडेट नहीं दे पाई कांग्रेस, वो तो कहती है दूंगी तो सरप्राइज दूंगी, किसानों का भी भला होगा। भैया सरप्राइज किस चीज का दोगे, जब आप 10 दिन बचे हैं 20 दिन बचे हैं सरप्राइज किस चीज का दोगे? आने वाले आपके पास कैंडिडेट है ही नहीं, सरप्राइज तो दे सको किसी इधर उधर के लोगों को खड़ा कर दोगे, सरप्राइज हो गई, सरप्राइज हो गई।
और बता दीजिए, जिसके पास कैंडिडेट नहीं, इतनी बड़ी पार्टी बताते हैं हमारी पार्टी है, जिसके पास बोलते हैं राहुल गांधी अपनी सभा में, अगर किसान खुश होते तो आंदोलन क्यों करते? किसानों जो है आत्महत्या कर रहा है मोदी सरकार में, अमेठी के किसान तो बिक गया है। अमेठी के किसान कहीं नहीं बिका है, वो सिर्फ उनकी नजरिया बदल गई है, क्योंकि उनको अब लगता है कि सब कुछ वायनाड में हो रहा है, अमेठी में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे लोग जो हैं ऐसे ही चले जाएंगे अपने ही क्षेत्र फिर से। बिकाऊ है क्या कुछ बोल रहे थे कि अमेठी के लोग तो बिकाऊ है, ऐसा कांग्रेस के नेता बोले? कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि अमेठी के जो नौजवान है वो काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे आए थे। तो काम करते हैं आप? क्यों नहीं करते? हम लोग बोलिए ना, फिर मैं काम कर, नौजवान युवा काम करने के लिए तैयार है, ऐसे बोलिए ना उन्हें कांग्रेस वालों को, मैं काम करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? मैं काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ और अपने खून पसीने की मेहनत हर जगह अपने कामयाब लाऊंगा, मैं फिर से योगी सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो वो क्यों कहते हैं काम नहीं करते युवा? तो ये भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा तो लड़कियां छेड़ते हैं। उनके पास काम नहीं हो उसको यही दिखाई देता है, काम नहीं है उनके पास, खुद ही काम नहीं है, कहाँ जाए क्या करें, इसके बाद यही हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब? ये मोहम्मद अयूब इदरीसी। मोहम्मद अयूब इदरीसी जी, कितना बढ़िया नाम है। किसान है? नहीं मैं किसान तो नहीं हूँ, टेलर हूँ। टेलर है? हाँ टेलर है। तो भैया बताइए, टेलर है आप, सीलने का काम करते हैं, खराब कपड़े को सही बनाने का काम करते हैं, सरकार किसकी बन रही है? हमें सरकार तो बनेगी योगी जी की। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, किसी की हिम्मत हो पहले योगी के बाद में यहाँ पे खड़े होकर दिखा देते। आज उनकी देन है कि यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हुई है, समझे? हाँ, और कोई बता दो। कांग्रेस में एक बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, राहुल को जैसा कोई है नहीं। हिंदू मुस्लिम करो, सालों को लड़ाओ। ये कांग्रेस की बात? ये कांग्रेस की है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लोग तो कहते हैं भाजपा की बात है। भाजपा? भाजपा ने जो कर दिया आज तक उसका बाप दादा नहीं कर पाएंगे। क्या कर दिया भाजपा? क्यों यहाँ पे कोई है कुछ ऐसा बोलने वाला? मैं सामने लेके आऊँ, मैं जवाब दूँ। कहते हैं स्मृति ईरानी ने 5 साल अमेठी में कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? तो क्या ये सब ऐसे ही हो गया है? राहुल गांधी यहाँ पे मंत्र पे, स्मृति ईरानी ने जंतर मंत्र पे 350 रुपए में जब सिलेंडर था तो चूल्हे पे रोटी बनाई थी, अब 1050 में सिलेंडर है तो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? अब कहाँ चली गई स्मृति? यहीं आ गई और कहाँ चली गई? अरे यही तो बात है, अब रात में 2:30 बजे लाइन लगाते थे हम लोग, रात में 2:30 बजे लाइन लगाते थे, 50 रुपए का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी चूल्हे पर रोटी बनाई, अब कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? जब 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 350 रुपए का सिलेंडर था तो यहाँ की जो एक मिनट जो यहाँ एक मिनट सुनो भाई, अरे 200 रुपए सुनो सुनो, जब 350 का सिलेंडर था तो यहाँ की जो दैनिक मजदूरी है, जो एक मजदूर दिहाड़ी करता था वह 150-200 रुपए पाता है, आज वो 500 रुपए पाता है, तो जब उसकी मजदूरी बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी तो पैसा, रुक जाइए, तो ऊपर दाम बढ़ा, आज ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं। ए भाई सुनो, इधर इनको पता नहीं, सब लोग जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल निकालो तुरंत देखो, आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे का दाम 160 रुपये है, श्रीलंका में 150 है, बांग्लादेश में 60 रुपये है और भारत में 26 रुपये है। भारत में 26 रुपये है, तो आज हमारी सरकार ने जिस तरह से देश और विदेश में नाम कमाया है, देश का नाम ऊपर किया है और महंगाई को कंट्रोल किया है, क्या 160 अच्छा है कि 26 रुपए अच्छा है? एक मिनट। हाँ, हमारे देश में जो गैस गैस के संसाधन हैं, जो तेल के संसाधन हैं, ये इतने कम हैं कि इससे एक प्रदेश का भी खर्चा पूरा नहीं होता है, सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। आप हमको एक बात बताइए कि हमारा एक प्लाट जो है वो हमने 10 साल पहले लिया था जिसकी कीमत 5 लाख रुपये, मास्टर साहब प्लीज़ शांत रहिए, भाई साहब उनको ना समझाइए, हमने 5-10 साल पहले एक प्लाट लिया था जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, आज हम उसको 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी बता दे कि इसकी कोई भी चीज़ जिसकी कीमत 10 साल पहले जो है जितनी थी आज उतने में बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। हम कल जो है वो 50 किलो के थे, आज हम 80 किलो के हैं, काहे हैं? जब सारी चीज़ें बढ़ना जो है प्रकृति का नियम है तो महंगाई भी रेशियम बढ़ेगी। एक बात, दूसरी बात सुनिए, 2004 से 2014 में जो रेट था गैस सिलेंडर अन्य चीज़ों का, उसी हिसाब से 2014 से 2024 का जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आज की महंगाई उन 10 सालों में जो इसके पहले 10 साल गुजरे हैं जहां से हिसाब मांग रहे हैं लोग, उन 10 सालों की तुलना में महंगाई बहुत कम है, कम है नहीं है। और उदाहरण के लिए जो आपने बताया अन्य देशों में देख लीजिए, 10-10 गुना यहां से जा।